हेलो नीहर्स, तो आज मैं लेने वाली हूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स और वो भी एक नहीं दो दो ट्विस्ट के साथ। तो फर्स्ट ट्विस्ट ये है कि मैं भिखारी बन के आईफोन के स्टोर्स में जाऊंगी और दूसरा ट्विस्ट ये है कि मैं चिल्लर दे के कॉइन से आईफोन खरीदने की कोशिश करूंगी। तो चलो देखते हैं मैं आईफोन ले पाती हूँ या मुझे दुकान से भगा दिया जाता है। तो चलो गाइस बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। गाइस आज मैं आईफोन खरीदने तो वाली हूँ बट ये आपके बिना कभी भी पॉसिबल नहीं होता। एंड गाइस मैंने अपने यूट्यूब करियर के स्टार्टिंग में ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो स्ट्रगल स्टोरी भी शेयर करूंगी। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मेरे वीडियोस के कमेंट्स पे हार्ट्स देना। गाइस हमारी आज ये जो कम्युनिटी बनी है ना, मैं इसको लेकर इतनी प्राउड हूँ कि मैं बता नहीं सकती। 3 साल पहले तक मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ होगा। YouTube बस एक कैजुअल हॉबी था और मैं मेरी स्टडीज पे ज्यादा फोकस करती थी मेरे घर वालों के बोलने पे। मम्मी तो बहुत गुस्सा करती थी, फिर उन्होंने एक दिन बोला कि चलो मेरे साथ एक एस्ट्रोलॉजर से बात करने चलो। मैंने तो सीधा मना कर दिया, पर तब मैंने एस्ट्रोटॉक ढूंढा और मम्मी को दिखाया। उन्होंने पहले अप्रूव नहीं किया था, बट जब मैं एस्ट्रोलॉजर दिव्या दी से मिली ऐप पे, उन्होंने सबसे पहले मेरा डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम मांगा और फिर उन्होंने चला के मुझे बोल दिया कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सोशल मीडिया में कुछ करने का मन है। उन्होंने मुझे बोला कि सोशल मीडिया रिलेटेड कोई फील्ड पकड़ो, वहाँ काफी स्कोप है मेरा, मुझे मेरा करियर उसी में बनाना चाहिए। ये सुनने के बाद मैंने उनको डिटेल में अपनी सारी चीजें बताई क्योंकि मेरा ट्रस्ट बैठ गया था दिव्या दीपे और ऐप पे। फिर उन्होंने मुझे 2 सोल्यूशंस बताए और फिर उन्होंने बोला कि अपना 100% दो यूट्यूब पे और देखो तुम 6 से 8 महीने में कितना ग्रो करोगी। और वो साल मेरे YT करियर का बूम पीरियड था। वहां से मेरा यूट्यूब चैनल जो ग्रो हुआ उसके बाद आप तो देख ही पा रहे हो। पता है मुझे सबको ये लगता है कि मेरी लाइफ कितनी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है या नहीं थी, पर अंदर की बात तो सिर्फ हम ही जानते हैं। उसी तरह आप लोगों के लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम्स होंगे। मेरी मानो और जाओ एक एस्ट्रोलॉजर से बात कर लो, आपको काफी डायरेक्शन मिलेगी और सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, अपने एस्ट्रोटॉक ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप वहीं से डाउनलोड कर लो एंड आपको पहली चैट फ्री मिलेगी। यार आईफोन भिखारी बन के लेने जाऊंगी तो भिखारी जैसे कपड़े भी तो पहनने पड़ेंगे ना, तो चलो कपड़े पहन के आते हैं। तो यहाँ में मैंने भिखारी जैसे कपड़े तो पहन लिए बट फिर भी मैं भिखारी नहीं लग रही। 1 मिनट रुको, अभी मैं लगूंगी भिखारी। तो अभी मैं मेरे पूरे फेस पे लगाने वाली हूँ काला काला मिट्टी कीचड़, क्या है ये पता नहीं, ये काला काला कलर था गाइस। तो इसको बहुत अच्छे से लगाऊंगी, इतना भी ज्यादा अच्छे से नहीं लगाऊंगी। अभी कैसी लग रही हूँ मैं यार? A few moments later. तो अभी फाइनली भिखारी बन गई गाइस। गाइस भिखारी बनके थार से तो मैं उतर चुकी हूँ, पर बात ये है कि अभी मुझे भिखारी बनके थोड़ा भीख भी मांगना पड़ेगा ताकि सही में फील आए कि सच्ची में भिखारी बनके मैं आईफोन ले रही हूँ। तो चलो चल के भीख मांगते हैं। छी 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 छी, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भैया, आईफोन लेना है, कुछ रुपया दे दो। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू? नहीं है, कुछ दे दो, आईफोन लेना है। ये है आम जिंदगी। वो आ गया, देखो भैया आईफोन लेना है, कुछ रुपया दे दो। आईफोन लेना है, कुछ रुपया दे दो। आईफोन लेना है, लॉटरी लगी है क्या? कुछ दे दो, जो भी आपके पास है, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया। अरे तू जा रही, कुछ भी दे दो। ये है मेंटोस जिंदगी। अब नहीं दोगे? नहीं दोगे? नहीं। दिल तोड़ दिया भैया आपने। गाइस अभी रास्ते में मुझे दो दो नील हार्ट्स मिल गई है और इन दोनों ने मुझे इस हालत में भी पहचान लिया। तो यार मुझे आईफोन लेना है, कुछ रुपया दे दो। मुझे दोगे? नहीं दोगे? ओह माय गॉड यार, इन्होंने भी मना कर दिया। क्यों? मैं भिखारी नहीं लग रही? नहीं लग रही हूँ। चलो टाटा। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ मेरे घर के बिल्कुल पास वाले स्टोर में और यार यहाँ पे जाने में मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था, क्या ही बताओ, क्योंकि बहुत बड़ा स्टोर था ये और यहाँ पे अगर मुझे किसी ने पहचान लिया तो मेरा तो बिल्कुल पोपट हो जाने वाला है गाइस। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आईफोन मिलता है इधर?
आईफोन मिलता है इधर। गाइस वहां पे मैं चली तो गई आईफोन लेने। पहले तो वो भैया मुझे बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि मुझे वहीं पे आईफोन मिल जाएगा, तो मैं बहुत ज्यादा होपफुल थी। उन्होंने मुझे दिखाया भी, पर वहां पे जब मैं शूट कर रही थी तब उन लोगों को समझ में आ रहा था कि मैं कैमरा कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। और आप देखो यहाँ पे उसी जगह का एक स्टाफ जाके हमारे कैमरामैन को बोल दिया कि आप यहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं कर सकते हो। एंड इवन बाकी स्टाफ भी इसी बारे में बात कर रहे थे, तो इसलिए हमें जाना पड़ा वहां से। गाइस पहली जगह पे तो हमने ट्राई कर लिया पर हमें आईफोन नहीं मिला, तो चलो अभी दूसरी जगह पे ट्राई करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू टारगेट। भैया आईफोन होगा? कौन लेगा? मैं लूंगी आईफोन। होगा? नहीं नहीं होगा आईफोन। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गाइस यहाँ पे भी हमको शायद भिखारी समझ के उन्होंने मना कर दिया, या फिर सही में नहीं था, मुझे नहीं पता, पर मिला नहीं। तो फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर से ट्राई करेंगे। तो अभी रंजना पहले दुकान में जा रही है कैमरा लेके, मतलब आईफोन लेके, ताकि वो वीडियो बना पाए। तो वो ऐसे गई जैसे कि उसे कोई मोबाइल देखना है। उसने बात किया कि मुझे ये वाला मोबाइल देखना है, और जब तक वो मोबाइल देख रही थी उस बीच में मैं उस दुकान के अंदर चली गई और बाहर से भी सीटू कैमरा कर रहा था। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। भैया ये वाला फोन चाहिए एप्पल का। ये वाला फोन कौन सा फोन है पता है? हाँ ये आईफोन 15 है ना, आईफोन 15। मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए। कितने का है तुम्हारे पास? मैं गरीब हूँ। मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, देखो ये जो झोली है ना, ये भरा हुआ है पैसों से, आप उठा भी नहीं पाओगे। इसका क्या प्राइस है? इसका दाम है 160,000 रुपए। ये तो सब लड़कियां लेके घूम रही है, वो बादल बरसा बिजली कर रही है सब कोई। मजा आया, सब लड़का लोग देख रहा है उनका। इसी से होता है ना रील, इसी से होता है। तो फिर मुझे यही चाहिए, आप ये मुझे दे दो। वो तो नहीं हो पाएगा उतने पैसे में। तो अरे यार आप सोच क्या रहे हो, मेरे पास बहुत पैसा है, ये झोली भर के पैसा है। देखो देखो अब देख रहे हो कितना पैसा देख रहे हो, उससे भी ज्यादा चाहिए। अरे इससे ज्यादा पैसा किसके पास होता है? आपके पास भी इतना पैसा नहीं होगा जितना मेरे पास है। अबे कौन है तू, प्रधानमंत्री? आपको लग रहा है मेरे पास पैसों की कमी है? अच्छा रुको रुको मैं आपको दिखाती हूँ, ये लो। तुम्हारा है? मेरा है एप्पल का, देखो खाया हुआ एप्पल का वो है भी। ये तुम्हारा है? मेरा है। शकल से ही चोर लगता है। लग तो नहीं रहा। अरे मेरा ही है। चोरी वाली करके लाया क्या? चोरी करके क्यों लाऊंगी, ये देखो फेस लॉक देती हूँ खुल जाएगा। देखो मुझे लो मेरा फोन, तुम ऐसा क्यों ले रहे हो, मत लिया करो। यार मेरा फेस लॉक नहीं ले रहा है, बट ये मेरा ही है, मेरा ही है। अच्छा रुको, तुमको इसमें भरोसा नहीं है? ये फंस गया। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तुमको दिखाती हूँ मेरे पास कितना पैसा है, ठीक है? अभी देखो 1,00,000 तो नहीं होगा। वो होता है ना एक, जो वो एक स्कीम होता है ना जिसमें हर महीने लोग पैसा देते हैं, कि इतना इतना करके देना होता है हर महीने, फिर उसमें फोन मिल जाता है। तुम्हें कैसे पता चला? उसके लिए आपको 5,000 रुपए और आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको 5,000 देती हूँ, ठीक है? अभी गिनना। हाँ डॉक्यूमेंट्स तो मेरे, हाँ ये देखो हर एक के पास होता है अभी इंडिया में, आपको पता है सिस्टम। ये देखो ये कौन सा कार्ड है, ये आधार कार्ड है, और ये भी कोई कार्ड तो होगा, ये पैन कार्ड है, पैन कार्ड है, ये दो दो कार्ड है मेरे पास। इसके अलावा बैंक, मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड भी है, मैं वो लेना लाना भूल गई। हम करते हैं प्रबंध। बैंक भी है, बैंक डिटेल्स भी है, मैं दे दूंगी आपको, ठीक है? तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास कितना पैसा है। 5,000 भी देती हूँ आपको, पर मैं कहाँ पे दूँ, मेरा इतना पैसा कहाँ पे होगा, यहाँ पे दे दूँ? बहुत पैसा है यार, इतना देख के आप चक्कर तो नहीं आएगा आपको? आपने जिंदगी में इतना पैसा देखा नहीं होगा, मेरी गारंटी है। बाप रे ये तो मेरा पैसा, मुझे देख के चक्कर आ जाएगा यार, कितना सारा पैसा है। ओ माई गॉड, और भी है? नहीं 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 और है, आप रुको। एक एक पैसा मैंने भीख मांग मांग के कमाया है, हर एक पैसा का इतना वैल्यू है मेरे पास। तो अभी आप इसको गिनो, इसमें से 5,000 रुपये आप निकाल लो, बाकी का मुझे रिटर्न दे दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? मैं ले लेता हूँ गिन के और बाकी तुमको रिटर्न दूँगा। हाँ मेरे सामने गिनो। आपके सामने गिनूँ? हाँ नहीं तो आप ज्यादा ले लिए तो। कितना हुआ? गिनो आप अच्छे से, एक दो तीन चार। जबरदस्ती है ये।
पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह बीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस हाँ तीस इकतीस। यार ऐसे गिनोगे तब तो साल बीत जाएगा। बात तो सही है। ये पूरा 5,000 है या उससे ज्यादा है? मुझे नहीं पता, मैंने एक महीने में इतना कमाया। मेरे को नहीं लग रहा ये कितना होगा फिर? होगा एक लीटर शर्ट होगा। नहीं आप झूठ बोल रहे हो। मेरे को तो वही लग रहा। आप झूठ बोल रहे हो, आप मुझे टोपी पहनाना चाह रहे हो। कोई टोपी नहीं पहना दे, एक डेढ़ हजार ही लग रहा मेरे को तो वही लग रहा। ये 5,000 नहीं होगा, ये देखो ये 5,000 नहीं होगा। इतना पैसा आपने कभी देखा है? सच्ची बताओ, आपने इतना पैसा देखा है? देखा है। आप भी भीख मांगते थे क्या? तो फिर कैसे देखा? मेरा दुकान है। जिंदगी में पहली बार मैंने आपको पहला दिखाया, बार देख रहा हूं। तो मुझे डिस्काउंट भी दो इस बात का। ठीक है, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। ये अगर 5,000 है तो आपको 15 प्रो मैक्स मिल जाएगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। अभी मजा आएगा ना। भिड़ो, रुको, पहले मैं गिन लूँ उसके बाद। ठीक है, 5,000 से तो ज्यादा ही होगा। ज्यादा हो जाए। Two thousand years later. अरे तुमने तो सही कहा था, ये तो 5,000 से ज्यादा ही है। ये लो तुम्हारा रिटर्न। Oh my God, मुझे फोन मिलेगा ना अभी? अब फोन मिल जाएगा। अभी दे दो यार। अभी दे देता हूँ। मैं इतना रील्स बनाऊंगी, रील्स बना बना के ना अभी आपसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगी, देखना। यही वाला फोन चाहिए था ना तुमको? यही वाला आईफोन चाहिए। हाँ, ओह माय गॉड, मेरे सपनों का फोन। थैंक यू, इतनी खुशी है मुझे आज। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे ये वाला फोन। अभी और पैसा तो नहीं देना पड़ेगा? अभी और पैसा नहीं देना होगा। कभी नहीं देना होगा? नहीं, आपको बैंक से काटेगा हर मंथ के ईएमआई। बैंक से काटेगा? हाँ। मतलब मुझे बैंक को जाके पैसा देना पड़ेगा हर महीना? बैंक में जमा कर दोगे आप, सिंपली आपके अकाउंट से कट जाएगा। ठीक है भैया, थैंक यू मुझे फोन देने के लिए, धन्यवाद, शुक्रिया। निकल जाओ फिर। तो ठीक है भैया, मिलते हैं फिर। अरे रुको, बिल तो ले जाओ तुम्हारा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, बिल ना ले जाओ। इसमें सारा डिटेल्स है मेरा? हाँ, तुम्हारा सारा डिटेल्स, तुम्हारा नाम, फोन नंबर, बिल में क्या ईएमआई है, मैं अभी दियो, सब कुछ लिखा हुआ। ओके ओके भैया, थैंक यू। ओके भैया, थैंक यू, वेलकम, शुक्रिया, मिलते हैं फिर से। कोई मिल गया, मिल ही गया। So guys, finally मुझे मिल चुका है मेरा iPhone 15 Pro Max, वो भी भिखारी बनके। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, मैं भड़ भड़ के रील्स बनाऊंगी। तो जाओ यार, जाके फॉलो करो, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। भैया आप भी सब्सक्राइब करोगे ना? भैया भी करेंगे। चलो चलते।